अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम आश्रम सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल होने वाले लाखों श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। ऐसे में सीहोर में श्रद्धालुओं को भोजन पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान न होना पड़े, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए साहू समाज सीहोर के समस्त सामाजिक बंधु आगे आए और सीहोर रेलवे स्टेशन पर कथा में शामिल होने आए श्रद्धालुओं के लिए निशुल्क भोजन पानी की व्यवस्था की गई। दिनांक 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक आयोजित होने वाले शिव महापुराण कथा के कार्यक्रम में शामिल होने कथा शुरू होने के एक दिन पहले ही लाखों श्रद्धालु सीहोर पहुंच गए थे। ऐसे में श्रद्धालुओं के सामने भोजन पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का संकट उत्पन्न हो गया था। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए साहू समाज के द्वारा निर्णय लिया गया कि उनके द्वारा सीहोर के प्रमुख स्थानों पर कथा श्रवण करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निशुल्क भोजन पानी की व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान समिति के सदस्यों से चर्चा करते हुए कहा कि उनकी समिति के द्वारा अभी तक लाखों श्रद्धालुओं को निशुल्क भोजन वितरित किया जा चुका है। भोजन वितरण में पूर्व विधायक श्रीमान रमेश सक्सेना एवं समाज सेवी श्रीमान सन्नी महाजन उपस्थित रहे। सीहोर रेलवे स्टेशन पर भी लाखों श्रद्धालुओं का आना जाना बना हुआ है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम आश्रम पर चल रही शिव महापुराण कथा में शामिल होने पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन पर साहू समाज के माध्यम से निशुल्क भोजन पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो श्रद्धालुओं ने भी साहू समाज का आभार जताया। वहीं साहू समाज के वरिष्ठ समाज सेवियों ने कहा कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, मानव सेवा ही परम धर्म है और ऐसे धर्म यज्ञ में उनकी समाज के द्वारा जो आहुति दी जा रही है उससे वह काफी संतुष्ट हैं। साहू समाज नगर अध्यक्ष यहाँ पे क्या कार्यक्रम चल रहा है? रुद्राक्ष महोत्सव 16 तारीख से चालू हुआ। आचार्य पंडित मिश्रा जी के आदेश अनुसार उन्होंने हमें आदेश दिया था कि कुछ साहू समाज द्वारा क्या कर सकते हो आप। हमने उनसे बोला था 16 से 22 तारीख तक सीहोर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पे निःशुल्क स्वल्पाहार भोजन की व्यवस्था रहेगी, जिसमें आने वाले श्रद्धालुओं के लिए माँ कर्मा देवी की असीम कृपा से निःशुल्क 2 से 3 हज़ार लोग रोज भोजन कर रहे हैं और बहुत तृप्त होकर यहाँ से जा रहा है। साहू समाज के लिए बहुत गौरव की बात है और पंडित आचार्य प्रदीप मिश्रा जी जो हमारे आज तो विश्वविख्यात हो गए, वो उन्होंने ऐसा नाम कर दिया और हमारी साहू समाज को खुद मंच से बोल रहा है कि हमारे लिए गौरव की बात। बहुत अच्छा चल रहा है, 7 दिन से लोग बढ़िया अलग अलग प्रकार की सब्जी, अलग अलग प्रकार के व्यंजन, एक दिन खिचड़ी उसके अपने साबुदाने की, एक दिन बढ़िया पुलाव वाले चावल, अलग अलग सब्जी बांटी गई, 7 दिन बढ़िया कार्यक्रम। सीहोर से धीरज साहू की रिपोर्ट। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सॅन सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।